नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मास्टर करमपाल शर्मा की कहानी भाग 5 और मैं रविंदर सामली। मास्टर करमपाल शर्मा जी एक ऐसे गायक हुए हैं जहां तक रागणियां सुनी जाती है वहां तक उनकी आवाज को पसंद किया जाता है। करमपाल शर्मा जी ने कैसेटों का दौर भी देखा, उसके बाद में CDI वो दौर भी देखा और उसके बाद में यूट्यूब का समय आया तो यूट्यूब का दौर भी उन्होंने बखूबी देखा। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता जैसा मौका मास्टर जी को मिला है। मास्टर जी के गीतों को सोनोटेक कैसेट कंपनी इकट्ठा कर उसका कलेक्शन कर रही है। 5,000 गीतों की शूटिंग हो चुकी है और बाकी अभी जारी है। उम्मीद है कि यह जो गिनती है वो 10,000 से ऊपर जाएगी, लेकिन कितने ऊपर जाएगी यह नहीं कहा जा सकता। मास्टर करमपाल शर्मा जी को मिले मान सम्मानों की बात करें तो मास्टर करमपाल शर्मा जी को सोनोटेक कैसेट कंपनी ने रागणियों का राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। केंद्रीय मंत्री किरण पाल सिंह ने मास्टर करमपाल शर्मा जी को रागणियों के सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया था। एक समय हरियाणा के झज्जर में नामचीन गायकों की उपस्थिति में मास्टर करमपाल शर्मा जी को वहां के DC ने प्रथम स्थान की शील्ड देकर के सम्मानित किया था। केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह ने भी मास्टर करमपाल शर्मा को जंतर मंतर पर किसानों की आवाज अपनी रागणियों के माध्यम से उठाने के लिए दिल्ली में सम्मानित किया था। दिल्ली में ही पद्मश्री महाबली पहलवान श्री सतपाल सिंह सहरावत ने मास्टर करमपाल शर्मा जी को सम्मानित किया था। भारत खंडे संगीत महाविद्यालय गाजियाबाद की ओर से भी मास्टर करमपाल शर्मा जी सम्मानित हो चुके हैं। यही नहीं, भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा जो संस्थान है दिल्ली में, जहां पर बहुत सारी फसलों के बीज और सब्जियों के बीज तैयार किए जाते हैं, यह संस्थान भी मास्टर करमपाल शर्मा जी को सम्मानित कर चुका है। पटेल लोक संस्कृति संस्थान नोएडा की ओर से भी मास्टर करमपाल शर्मा जी को सम्मानित किया जा चुका है। 22 नवंबर साल 2023 में अभी पिछले दिनों मास्टर करमपाल शर्मा जी को कालीरमन फाउंडेशन की ओर से दिल्ली में भारत गौरव अवार्ड देकर के सम्मानित किया गया था। ये जो सम्मान है ये मास्टर जी को उनकी काबिलियत उनकी कर्मठता की बदौलत प्रदान विभिन्न संस्थानों की ओर से किए गए हैं दोस्तों। और जो उनका सबसे बड़ा अवार्ड मुझे लगता है जो मास्टर जी को मिला है वो अवार्ड है जनता का प्यार। बहुत लंबे समय से लेकर के अब तक मास्टर जी को जो जनता का अटूट प्यार मिलता रहा है उस सम्मान के सामने दूसरे सम्मान छोटे पड़ जाते हैं। ऐसे सम्मान हर किसी को नहीं मिल पाते। मास्टर जी भी कहते हैं कि मैंने गायकी को निश्चल भाव से शुरू किया था, कोई लाभ लालच मोह मुझे किसी भी प्रकार का नहीं रहा, मैं तो कर्म करता गया, जो मिलता गया उसे स्वीकार करता गया। जनता का प्यार मेरे लिए एक तरह से बहुत ही अमूल्य धरोहर है। मास्टर करमपाल शर्मा जी ने अपने जीवन में रागणियां गाई, भजन गाई, गजलें गाई। यही नहीं, मास्टर जी ने तो अंग्रेजी में भी रागणियों को गाया है, क्योंकि इस तरह के वे अलग अलग जो वे हैं एक तरह से बदलाव होते हैं, तो इस तरह के बदलावों को करने के लिए मास्टर जी लगे रहते हैं, नए नए प्रयोग करते रहते हैं, तो उन्होंने रागणियों को अंग्रेजी में भी गाया है। यही चीजें उन्हें दूसरों से अलग करने का काम करती हैं। जिस तरह से सोनोटेक कैसेट कंपनी मास्टर जी की रागणियों को इकट्ठा कर उनका कलेक्शन कर रही है, यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रही है, और जो इस कैसेट कंपनी की ये मेहनत है ये काबिले तारीफ है, और ये कंपनी भी
वास्तव में बधाई की हकदार है। मैं सोनोटेक कैसेट कंपनी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वह इस तरह का सराहनीय कार्य कर रही है। भविष्य में जब आप लोग 10,000 से ज्यादा, कहाँ तक ये गिनती जाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये कलेक्शन इकट्ठा कर लोगे, रिकॉर्ड कर लोगे, तो वास्तव में यह एक इतिहास बन जाएगा। भविष्य में आपके जो बच्चे हैं वे अपनी अगली पीढ़ी को बताया करेंगे। वर्तमान समय में जो भी सोनोटेक कैसेट को देख रहा है, चला रहा है कि भाई ये हमारे बाबा थे या पिताजी थे, जो भी थे, कि ये मेहनत उन्होंने की थी, उन्होंने इतने सारे गीतों को ये इकट्ठा किया, कलेक्शन मास्टर जी को साथ में लेकर के रिकॉर्डिंग की, अपलोड किया यूट्यूब पर, और आज ये एक इतिहास है। किसी एक कैसेट कंपनी के पास में इतने ज्यादा गीतों का भंडारण होना अपने आप में एक आश्चर्य का जरिया भविष्य में यह आपका काम बनेगा। इसलिए आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इतनी चीजें करने के लिए बहुत सारी समय की मांग होती है, पैसे की मांग होती है। आप लोग समय भी खर्च कर रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, लगातार मास्टर जी भी मेहनत कर रहे हैं, तो भविष्य में आपको इसका फल जरूर मिलेगा। और आपको मैं तो भगवान से भी दुआ करता हूँ कि आपको जो भी आपका खर्च है वो निकले और उससे ज्यादा आपको मुनाफा हो। एक बात तो तय है कि भविष्य में यदि किसी को मास्टर करमपाल शर्मा की आवाज सुनने की इच्छा होगी तो वो दिन दूर नहीं है कि उसे सोनोटेक कैसेट कंपनी की कुंडी खटखटानी जरूर पड़ेगी। मास्टर जी अपनी आवाज के धनी हैं और गाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जिस तरह से बुलंदियों पर उनका नाम है और लंबे समय से है, आज भी संघर्षरत है, लगातार आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं अभी भी क्षेत्र में। उन्होंने सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट लिया है, लेकिन ये जो गायकी का क्षेत्र है इसमें उन्होंने अभी भी रिटायरमेंट नहीं लिया और वे लगातार आगे बढ़ के और काम कर रहे हैं, तो वे दूसरे गायकों के लिए भी, नए गायकों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है कि आगे बढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती, काम बंद करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। यदि इंसान का जज्बा कायम हो तो वो किसी भी उम्र में काम कर सकता है, और मास्टर जी जिस तरह से इस उम्र में काम कर रहे हैं वो एक सीख है, हमारी नई पीढ़ी के लिए भी सीख है। इस तरह की सीख देने के लिए कोई न कोई हमारे समाज में व्यक्ति जो होता है, जो खासियत होती है उसकी, वो सामने आती है। और समय समय पर प्राचीन काल से देखें तो कोई न कोई हमारे समाज में ऐसी शख्सियत रहती है जिससे हमारा जो समाज है, जो अगली पीढ़ियां हैं, वे प्रेरणा लेते रहते हैं और आगे बढ़ने के लिए उन्हें, उनको देख करके नई ऊर्जा उन्हें मिलती है, संचार होता है। तो ऐसे ही लोगों में से एक है मास्टर करमपाल शर्मा जी, जो आज के समय में एक प्रेरणा के स्रोत से कम नहीं है। उनके द्वारा जो कार्य किया गया है और जो किया जा रहा है वह एक अपने आप में मिसाल है। मास्टर जी कहते हैं कि मनुष्य तो जिंदा तभी तक रहता है जब तक वो समाज के लिए कुछ करता है या लगातार कुछ न कुछ करता रहता है। जिस दिन वो नहीं करता कुछ भी तो ऐसा ही जीना और ऐसा ही मरना, तो उसका फिर कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो मास्टर जी हमेशा कर्मठता में विश्वास रखते हैं और कर्म में विश्वास रखते हैं, और मास्टर जी तो है ही कर्मठता की मिसाल। जैसा उनका नाम वैसा उनका काम, नाम करमपाल और कर्म उनका बेमिसाल। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।